Thank you. Thank you so much. जोहार सबके मोए सोनर और मेरे सामने फिर से एक छो साझा करके लेके आ हूँ। जैसे कि हमें भारत भ्रमण के बारे में सुनी ला अलग अलग आदि मैंने अलग अलग तरीके से लेना बाई से हो या फिर बाई एयर बाई ट्रेन या तो फिर बाई वॉक। बाई वॉक बहुत ही कम सुनने के लगे मिले ला उसने ही मयूर और मैंने बताया चाहूँ कि बागडोगरा के अंतर्गत इम्यूनिटी स्टेट में एखन एक छो ऐसे छोड़ा जे कि एकदम यंग छोड़ा ये टाइम में अगर हम हमारे जनरेशन पर बात करो तो अलग अलग नशा पान में हो या अलग बैड हैबिट्स में लगल है तो हमें एक छो कम एज का छोड़ा सिर्फ 24 साल का छोड़ा जे कि बहुत दूर से भारत भ्रमण कर लगे खेल चुके हैं और अभी तेरा यहाँ मुनि में पुगल है और मुनि में पुग के हमारे संगे है चंदन जी। चंदन इमन एक जगह दिलाए रात के उमर के पूछ लें कहाँ जा था नहीं जा था और रात के ट्रैवल करे तो मुश्किल है कि नहीं वॉक करते करते तो फिर चंदन जी उनके घर में जगह दिलाए और सारा रात बीते कर बाद में एखन उमन के पूरा मोनी कर बहुत सारा आदमी ने भीड़ जमा हुआ है और उमने उमन के विदा दो। चंदन दो शब्द हमारे दर्शक मन के बतावा कि किस तरीके से मिलना और जगह देना काले की ऐसा अननोन पर्सन के एक अनजान आदमी के अचानक घर में जगह दे काफी हमें सोचे लेकिन मजबूर हुई जबकि हमें काले ही जगह दे लेकिन वहाँ वो चीज़ की नहीं सोच के चंदन क्योंकि अच्छी तरीके से घर में लेके आए कि अपन घर में जगह दे लें। चंदन दो शब्द हमारे दर्शक मन के सबसे पहले सभी को भिजवा बरबिल्ली से मो नाम चंदन दास है मुझे टी गार्डन मुनि टी गार्डन कर कल इंडिया टूर ले एक भाई निकल रहे उसका नाम है श्रीकांत उकर मुझे पहले वीडियो देख चुको कि इंडिया टूर करो थे तो करे कर सबसे पहले है कि कल 11 बजे रात के वो सिलीगुड़ी से बावड़ा कर आगे कोलकाता रोड में आवत रहे तो रात घने 10:30 बजे रात के मैं से मिल लो मिले कर बाद में बात कर लो तो उनको बोलते कि मैं स्टे करे लिए कोई जगह ना के हमारे एक ऐसे जगह है कि जो वहाँ कटिक कभी माहौल रात घन का माहौल सही नहीं रहेला खराब रहेला तो मऊ के कहलो कि चल आज तो होएला अतिथि देव भाव तो मैं उनके रिक्वेस्ट कर लो कि आज तो मोर घर रुक जा रुके कर बाद में तो बहुत मुश्किल से मना लो तो मुझे बहुत अच्छा लगला कि ये मोर एक को बात कहलो बोले मैन गेला तो मऊ के घर ले गया घर ले कर बाद में माँ बाबा सब कोई तो बहुत अच्छा कर ले देख रेख कर लें तो चंदन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहे कि अबू काले की ऐसा अतिथि सत्कार दिखाई के इस चीज़ की साबित कर दिलाए कि हमें हमेशा आदमी का सेवा लगे रहो और जो मैंने अच्छा काम कर लें उमन के सपोर्ट तो और भी ज़्यादा करो है कि नहीं। तो फिलहाल श्रीकांत जी से ही हमें मिलो और दुशब दुकर से सुने चाहो सबसे पहले श्रीकांत के तो मैं दिल से जोहर जनाओ ना और हद भी करो ना हथोबरा एरिया में मैं चाहूँ कि श्रीकांत जी हमारे दर्शकों को बता दें कि आप कहाँ से निकले किस मोटिव को लेकर के निकले हैं और कैसा रहा आपका टूर और कितने दिनों से आप चल रहे हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार और मेरा नाम श्रीकांत कल्याण मैं हैदराबाद तेलंगाना का लड़का हूँ। मैं पूरा इंडिया भ्रमण कर रहा पैदल से और लिफ्ट लेके और अभी तक मैं 25 स्टेट्स कंप्लीट कर दिया 5 यूनियन टेरिटरीज कंप्लीट कर दिया टोटल 30 स्टेट्स कंप्लीट कर दिया और 6 स्टेट्स बाकी है 3 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज पूरा 36 है उसमें 30 कंप्लीट कर दिया और 6 बाकी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा ट्रिप में December 1, 2021 में स्टार्ट करा अभी तक 8 महीने 15 दिन हो गया और ये ट्रिप करने के लिए मेरा मेन कारण बोले तो कम पैसे में कैसे ट्रैवल करना मेरा दोस्त लोग है उसको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो मेरे को उतना ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं रहता मैं छोटा बिजनेस करके पैसा कमाना अच्छा से देखना ये मेरा मेन मोटो है। फिर अभी क्या हो गया अब मेरा बिजनेस का लॉकडाउन वजह से मेरा बिजनेस पूरा बंद हो गया उसके बाद मैं सोच रहा क्या करना और वो टाइम में मेरा दोस्त लोग व्हाट्सअप में डालेगा लाइक आई लव गोवा मेरा गोवा ड्रीम प्लेस है लद्दाख मेरा ड्रीम प्लेस ऐसे रख रहा 3 साल से ऐसे रख रहा फिर कौन भी किधर भी नहीं जा रहा है मतलब ड्रीम गोल सेट करके रख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बजट की वजह से नहीं जा रहा। और मेरे को मालूम है मैं पहले से YouTube वीडियोस देखता हूँ उसमें ज़्यादा कम पैसा में वो ट्रैवलिंग करता उसको देख के मैं सोचा हम क्यों नहीं कर सकते ज़्यादा लोग लाइक इंडिया से भी ज़्यादा लोग फॉरेन घूम रहा फॉरेन लोग इंडिया आ रहा हम इधर इंडिया में क्यों नहीं घूम सकते सोच के मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करा कम पैसा में कैसे ट्रैवल करना। नॉर्मल ट्रैवलिंग में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट रहता लाइक स्टे और ट्रांसपोर्ट और फूड। स्टे के लिए मैं मेरा पास कैंपिंग टेंट है कैंपिंग टेंट यूज़ करेगा ये तो लोकल आदमी घर में पुलिस स्टेशन में पेट्रोल पम्प में स्टे करेगा और ट्रांसपोर्ट के लिए पैदल से जाएगा कभी कभी लोग का हेल्प भी ले लेगा लिफ्ट दे देगा वो उसमें भी 0 पैसा उसमें पैसा खर्चा नहीं होता कल ही खाने के लिए होता खाने के लिए भी मेरे को लोग मस्त हेल्प करेगा ये तो मेरे को डेली घर से 150-200 ऐसे आ जाएगा उसमें मैं खर्चा निकल देता मेरे को नॉर्मली 200 से एक दिन के ज़्यादा कुछ नहीं होता बस।
तो यही सारी चीजों को लेकर के निकल पड़े हैं। और इस चीज के देखे के बाद यह चीज हम अंदाजा लगा सकें कि जे अगर कोनो भी मकसद लेके कोनो काम लगे निकल है अगर उस चीज में सक्सेस नहीं भी हुए एक ही चीज बात है कि ओके लगातार करते जावा और उस जगह तक जरूर पुगवा। तो इस चीज के श्रीकांत जी साबित कर दिलाए। तो श्रीकांत जी के अंतिम में तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट कर लगे कहे चाहबू मैं और आशा करें जे वो जे भी मोटिव के लिए निकल है और जहाँ कहीं भी अखन जबे सुरक्षित जबे और सुरक्षित अपन निवास स्थान में पुगवे कहके हम उम्मीद करीला। और मैं चाहबू कि ये वीडियो देखे कर बाद में जहाँ कहीं भी रौरा अगर इकर से भेंट होबा तो जरूर उमन के भी स्वागत जनावा और अपन प्यार दिखावा। इतने कहे कि मैं खत्म करे चाहबू। धन्यवाद मैं।